I am Pooja Maurya. I am going to teach you your subject math. Your first chapter is real numbers. इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या. First of all, we learn about the this chapter is introduction. Real numbers. Real numbers क्या होते हैं? तो first यहाँ पे कुछ notes लिखे हुए हैं मैंने. इसको आपको पढ़ना है, बताना है कि real numbers क्या होते हैं. Real numbers is a value that represent on a number line. तो आप सबको पता है कि नंबर लाइन क्या होता है. नंबर लाइन आपको पता है, जैसे कि ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5. ये क्लास नाइन्थ में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि नंबर लाइन क्या होता है. यहाँ पे -1, -2, -3, ये होता है हमारा नंबर लाइन. रियल नंबर्स में क्या होते हैं, हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. और रियल नंबर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स? रियल नंबर्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स होते हैं. ये जो सारे भी टाइप्स आते हैं, ये सब किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं. और डिनोटेड बाय सिंबल आर, रियल नंबर से किससे इंडिकेट करते हैं? आर से इंडिकेट करते हैं. थर्ड क्या, रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल नंबर्स सच है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि रियल नंबर में कितने सारे नंबर्स आते हैं. नेचुरल नंबर आता है जो कहाँ से होता है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 1, 2, 3 और 100, मतलब ये इन्फिनिटी तक जाता है. उसके बाद सेकेंड आता है होल नंबर. होल नंबर जो नेचुरल नंबर में होता है, रियल नंबर होल नंबर में भी वही होता है सेम, बस क्या इसमें क्या ऐड हो जाता है, जीरो ऐड होता है, 0, 1, 2, 3 और 100, इन्फिनिटी. उसके बाद आता है रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होते हैं, आप सबको पता है, नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर. इसको पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है. राइट, बोल सकते हैं इसको भिन्न के रूप में लिखा जाता है, 2/3, राइट. अब सेम इसी का उल्टा होता है इरेशनल नंबर, मतलब जिसको पी अपन क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं. उसके बाद आता है इंटीजर. इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव. जैसे कि नंबर लाइन पे हमें दो प्रकार की संख्याएं लिखते हैं, एक साइड होता है पॉजिटिव और दूसरे साइड होता है क्या, नेगेटिव. तो रियल इंटीजर्स जो होते हैं उसमें दोनों आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी नंबर्स भी आते हैं. इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स. उसके आप ये आपके चैप्टर का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ. आगे हम देखेंगे इसमें कुछ लेमा दिया हुआ है. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें, और भी चीज़ बोल सकते हैं इसमें. इसमें जो चीज़ें दी हुई है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, एक टाइप से आप समझ सकते हैं इसको. जैसे कि पहले होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हुआ. उसके बाद आता है ये हमारा होल नंबर. जो जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर में आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर सारे होल नंबर में, नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे होल नंबर में आते हैं, लेकिन होल नंबर जो सारे होते हैं वो नेचुरल नंबर में नहीं आते. उसके बाद एक फोर से आगे आ जाएंगे, इसमें क्या आता है, उसके बाद इंटीजर्स आते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं. उसके बाद आता है हमारा सबसे बड़ा वाला क्या, रियल नंबर, जिसके अंदर ये तीनों की तीनों चीज़ें आती हैं. नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आता है और इंटीजर्स भी आते हैं. इसी हिसाब से इसको समझ सकते हैं. तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दे स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1. उससे पहले हम कुछ देखेंगे इसके लेमा के बारे में. कुछ दिया हुआ है, कुछ लेमा दिए हुए इसके बारे में. तो सबसे पहले लेमा क्या दिया हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट आपके चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो जैसे कि इसमें तीन चीज़ें लिखी हुई हैं. फर्स्ट है यूक्लिड्स, ये क्या है, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये लेमा दिया हुआ. डिवीजन मतलब होता है, आप सबको पता है डिवीजन, डिवाइड उसको बोलते हैं. और थर्ड लिखा हुआ है लेमा. लेमा का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को, ये लेमा पहले से फाइंड रहता है, मतलब पहले से सेटिस्फाइड रहता है, उसको हम लेके किसी और चीज़ को प्रूव करते हैं, उसको बोलते हैं हम लेमा. तो इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बता रहे हैं, इफ ए एंड बी आर
टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन दे मस्ट सैटिस्फाई द कंडीशन. ये नेम जो दिया हुआ इक्विटीजन नेम है इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक कंडीशन होती है ए बी क्यू प्लस आर. तो इसमें इस क्या लिखा हुआ इफ ए ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन. ये कंडीशन जो हुआ इसमें इसको हिंदी में लिखेंगे या फिर इंग्लिश में लिखेंगे इसको क्या बोलते हैं. ए को यहाँ पे क्या लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू बी क्या होता है हमारा डिवाइजर इन टू क्यू क्या होता है क्यू से होता है इसको लिखते हैं क्यू यू ओ प्लस रिमाइंडर. इसमें क्या होता है ये जो लेवा दिया हुआ है इसको इसमें लिख के सेटिस्फाई किया जाता है. फॉर एग्जांपल के रूप में हम देते हैं कोई जैसे कि डिवाइड करने का डिवाइड ले लेते हैं डिवीजन लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे थ्री हुआ फाइव हुआ और इसको क्या करें ये होता है आप सबको पता है ये क्या होता है ये क्या होता है ये हमारा होता है डिवीजर. इसको हम यहाँ पे क्या लिया हुआ है बी ये होता है हमारा डिविडेंड होता है जिसको लेते हैं ए. उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे आएगा वन यहाँ पे आएगा थ्री और यहाँ पे टू. ये हमारा क्वेश्चन हुआ मतलब इसको हम लेते हैं क्यू और ये हमारा रिमाइंडर हुआ इसको बोलते हैं आर. ठीक है एक कंडीशन जो इसमें दी हुई है एक और भी चीज इसमें होती है. इसमें क्या होता है जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी. इसमें रिमाइंडर जो हमारा होता है वो जीरो से बड़ा होता है या बराबर होता है और हमारा ये जो दूसरा लिखा हुआ है डिवाइजर वो क्या होता है आर से बड़ा होता है. अब आगे बढ़ते हैं अगर हम दूसरे एग्जांपल से इसको समझे या फिर आप इसको छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो यहाँ पे आ जाते हैं जैसे कि 125 है एंड 125 एंड 45 एंड डिवाइड 45 डिवाइड बाय 125 आगे भी कर सकते हैं. आएगा यहाँ पे 10 35 यहाँ पे आएगा 3 5 10 10. तो हमने क्या किया इसका एचसीएफ निकाला है 125 और 45 का. एचसीएफ हमारा क्या आया जो लास्ट में जो डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम एचसीएफ बोलते हैं. एग्जांपल के रूप में यहाँ पे लिखा है 125 एंड 45 तो इसका एचसीएफ क्या होगा